देख लो बारिश बारिश आज भी लगी है, बारिश होकर दूसरे दिन है और बारिश सुबह सुबह लगी है भाई। हमारे 7 बजे पेपर है और अभी बारिश लग गई 6 बजे, 6:30 होने वाला है, बारिश लग गई है। नमस्ते, पहला गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे गाइस। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग ना दोपहर से हो रही है क्योंकि ना आज मुझे जाना है बागेश्वर में, क्योंकि कल मेरा पेपर है तो इसलिए मुझे आज जाना है बागेश्वर में। तो अभी समथिंग 2 बजे हैं, तो अभी मुझे जाना है, स्टाफ की गाड़ी में जा रहा हूँ मैं आज, तो इसलिए जल्दी नहाता हूँ मैं, पहले नहाता हूँ फिर उसके बाद तैयार होकर मिलता हूँ आपसे सीधे। और पहले आज के पहाड़ का मौसम भी देख लो, कुछ ऐसा हो रहा है चारों ओर, मतलब बादल ही बादल हो रहे हैं। नहा के फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज गया है तुम्हारा 1 बज गया है, 2:30 बजने में अभी आधा घंटा 30 मिनट पूरे बचे हैं। तो अभी मेरे को अभी पहले खाना खाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जाना है अभी बागेश्वर को, तो खाना खा के जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने सुबह खाना भी नहीं खाया था, हल्का हल्का खाया था मैंने खाना। तो अभी पहले खाना खाता हूँ और बारिश देखो भाई, बारिश अभी भी लगी है और बारिश भी रुक चुकी है गाइस, देख लो हल्की हल्की बारिश लगी है, बस हल्की हल्की लगी है, बट जो पहले लगी थी ना वो बहुत ज्यादा लगी थी, बट अभी बहुत कम लगी है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे धूप आ चुकी है, तो अभी मेरे को स्टाफ की गाड़ी अभी छुट्टी नहीं हो रखी है, देख लो वहाँ पे स्कूल ऊपर का, जहाँ से स्टाफ की गाड़ी आएगी तो अभी छुट्टी नहीं हो रही है वहाँ पे। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ उससे पहले, और धूप भाई धूप आ चुकी है पूरी, बस मस्त वाली धूप आ चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बस साथ में भाई देख लो चल। पूरा रेडी हो चुके हैं, अभी चलते हैं बागेश्वर को क्योंकि गाड़ी अभी आने वाली है, बस गौरी हमें छोड़ने के लिए आ रहा है, चल 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 चल, ऐसे बंदे की तरह चल के नहीं जाना था ना, अभी रोड में चलते हैं पहले। उठो भी मोबाइल तो भन्नू कम उठो, रात तक क्या रात तक क्यों नहीं, तो अपनी मस्त से नींद निकालने हैं, चल फिर बाय 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 बाय। अभी रोड में आ चुके हैं हम, देख लो मैं अकेले जा रहा हूँ, बुआ भी मेरे साथ है, बुआ और मैं आज जा रहे हैं बागेश्वर को क्योंकि बुआ तो बागेश्वर रहेगी एक दिन तक, बुआ तो एक दिन तक बागेश्वर रहेगी और मैं तो भाई कल आ जाऊंगा पेपर देके। पर भाई हवा बहुत तेज पड़ रही है, आज का मौसम ना अब ऐसे ही रहता है जी वाला मौसम रहता है ना, तो इसमें ज्यादा हवा ही पड़ती है रात को, शाम को ना इतनी तेज हवा पड़ती है ना यहाँ पे, मतलब पेड़ पेड़ भी टूटते हैं यहाँ पे। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदियों के राते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं बागेश्वर, तो मैं कमरे में जा रहा हूँ, तहसील में पहुंच गया अभी, बस थोड़ी देर में कमरे में पहुंच जाऊंगा, ज्यादा नहीं बस 10 मिनट में, तो कमरे में मिलते सीधे आपसे अब। सो फाइनली पहुंच गया था मैं कमरे में, पहले पहुंच गया था और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग गया था, तो अभी मेरे को टाइम मिला है, तो अभी मैं बना रहा हूँ ब्लॉग, तो अभी छत पे जाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, तो आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा भाई, बहुत तगड़ा होता है। और यहाँ पे अभी ना सुनता नहीं कि भाई ना कोई हल्ला कर रहा है ना कुछ, बस गाड़ी की आवाज आती है। तो अभी आपको ना ऊपर जाके मैं ना छत पे जाके यहाँ का व्यू दिखाऊंगा बागेश्वर का। तो ना मामा अभी सामान लेने के लिए गए हैं, तो अभी मैं अकेले हूँ घर में, तो अभी मामा सामान लेने के लिए गए, तो तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर मामा आएंगे तो ऊपर जाएंगे फिर दोनों साथ में, या उससे पहले चले जाऊंगा अगर ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाएगा तो किताब पढ़ते पढ़ते, तो फिर ऊपर जाऊंगा मैं। अभी थोड़ी देर किताब पढ़ देता हूँ, फिर चलते हैं ऊपर को। बट यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ना सुनसानी हो रखी है, जैसे गाँव में यहाँ वहाँ जाओ बस, यहाँ तो वैसा नहीं है, बस यहाँ पे कमरे में रहो बस, अगर छत पे वहाँ जाओ बस। तो कल मेरा पेपर है, आप अरे फोटो तेरी फोन भी तारे छुपा रहे याद तक इस बुला दलास बैठी। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? बट अभी तो हम सेफली नहीं है क्योंकि भाई देख लो बारिश आज भी लगी है, बारिश होकर दूसरे दिन है और बारिश सुबह सुबह लगी है भाई। हमारा 7 बजे पेपर है और अभी बारिश लग गई है 6 बजे, 6:30 होने वाला है, बारिश लग गई है, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं, कोई और आने वाला है ना इसके रुकते हैं फिर चलते हैं सीधे। अभी बस ये देख लो इतना अंधेरा हो रखा है, लगभग 6:30 बज गया तो, और फिर भी अंधेरा हो रहा है और बारिश अभी तक लग रही है भाई, पहली बार भी लगी थी बारिश, इस बार भी लगी है बारिश, मेरा पीछा छोड़ने वाली है हमारा, मतलब एक ही मेरा नहीं। तो अब चलते हैं हम, अभी आ चुके हम तीन लोग, इतने लोग पधार चुके हैं इस पे, तो अभी ज़्यादा नहीं बस 3-4 मिनट हो जाए लग जाएंगे हमको यहाँ से, मतलब 20 मिनट लग जाएगा हमको कॉलेज जाने में। बट यहाँ का मौसम चेक करो भाई, क्या तगड़ा लग रहा है, अभी बारिश के बाद जो मौसम आता है ना भाई बहुत तगड़ा आता है, पर अभी देख रहे हैं यहाँ का माहौल देख लो अभी कैसा है भाई, बहुत मस्त भाई। चलते अब, लेट भी हो गई हमको, तो चलते हैं फटाफट।
चले गए पहुंच चुके गांव और अभी बज रहे तुम्हारे 1 बज रहा है अभी, तो अभी चलते घर को। बट आज का मौसम देखो, मतलब सुबह तो बारिश हो रही थी बट अभी मौसम पूरा साफ हो रहा है, देख लो पूरा आसमान में पूरे बादल खत्म हो गया। अब चलते हैं घर, मुझे सामान ले जाना है अपना। बाय द वे गाइस, टप्पू भी था हमारे साथ ये, और हम दोनों साथ में आए थे क्योंकि ये भी पाकिस्तान था 3-4 दिन से और मैं तो कल से आया था, बट ये आज घर आ गया 6-7 दिन से। फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं घर, हम घर में भी कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ एक, तो सब अपने अपने काम में गए हैं। देख लो आज गांव, तो गांव में ना अभी सबके दरवाजे बंद हैं क्योंकि सब अपने अपने काम पे व्यस्त हैं अभी, तो पूरे गांव में भी बंद है सारे। अभी बज गया है 3, तो अभी शाम हो चुकी है, तो मेरे को जाना है भैंस को पानी देने के लिए। मस्त भटर पीस के ला गया मैं, अब चलता हूँ भैंस को पानी देने के लिए। अब थप्पू भी आ रखा था और राहुल भी था थोड़ी देर पहले, राहुल तो रोड में चले गया। बस ये घर बड़ नौ तेरे, जा चल जा इसमें, इसको डाल दे।